और दोस्तों आज हम जोशीमठ से सामान भी ले जाए जो इम्पोर्टेंट थे, कागज थे, मतलब हमारे मार्कशीट वगैरह, क्योंकि अगर घर टूट जाए तो ये तो जरूरी रहता है आगे के फ्यूचर। 85, तो दादी की उम्र देखो, सफ़ेद बाल भी है, तो 85 साल की एज में ऐसे जंगल में आना इतने ख़तरनाक जगह से और घास भी लेकर के आना, तो सैल्यूट है, इसलिए पहाड़ों की मलाई भाई ज़्यादा से चलते हैं। तो अभी आंटी का है ये, चाची जी औरों का, तो यहीं पर। और अभी मैं अपने स्कूल में हूँ, ठीक है, ये मेरा स्कूल हुआ करता था, ये मेरी क्लासरूम हुई करती थी, है ना, यहाँ पे थे ड्राइंग वगैरह, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते तो इधर रखा करते थे इस अलमारी में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, आपका फिर से स्वागत है मेरे खूबसूरत गांव पुलना विलेज में, उत्तराखंड के प्यारे से गांव पुलना विलेज में। और अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है और गांव देखिए पीछे कैसा लग रहा है, क्योंकि आज धूप आई नहीं है, क्योंकि आज मौसम ना थोड़ा पैक्ड है, मतलब बादल है हल्के हल्के और गांव कुछ ऐसा दिख रहा है। और अभी मैं सुबह के टाइम पे उठ करके ना सबसे पहले गाय माता को, गौ माता जो होती है हमारी, उनको जंगल चराने के लिए जाता हूँ। कभी भाई जाता है, कभी ताऊ जी जाते हैं, कभी कोई, तो आज जैसे सब बिजी हैं तो मैं जा रहा हूँ। सुबह अभी 10 बज रहे हैं, तो ये देखिए गाय है आगे अपनी, चलो चलो भाई। जानवरों से भी ना कुछ सीखने को मिलता है, यहीं देख लीजिए यार कितना डिसिप्लिन है इनके अंदर की, भाई एक ही लाइन पे जाते हैं और पूरी गायें ऐसे ही जाती हैं कभी कभार, ये अपने मम्मी के पीछे जा रही है, तो घास की परेशानी हो रही है, तो आज इस साइड लगाएंगे और यहाँ पे गाय को हम लेके आए चर्री के पास, ताकि वो पानी वगैरह पी ले, प्यास बुझा ले, उसके बाद खाना वगैरह खाए, क्योंकि अगर पानी नहीं पीते ना ये सुबह तो जल्दी आ जाते यार घर। तो अभी जैसे पानी पी रहे हैं यहाँ पे, देखे पी लो, ले 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 ले, पानी पी, पानी, ओ इसको इधर लगा तो, पानी नहीं पी रही यार, ये वाली पानी नहीं पी रही, सीधा उधर जाना, चल पहले पानी पी फिर उधर ही लगा रहा तुमको, और वो दोनों मस्त करके पानी पी रही है, तो सही है भाई, समझदार गाय है, पहले पानी पी, चल पहले पानी पी, अरे पानी क्यों नहीं पी रहा भाई, तो इसने पानी पी लिया है, पी रहे हैं पानी, पी ले, चले हो गया, प्यास बुझ गई हैं। आजकल ना यहाँ पे रास्ता बना दिया गाय को जंगल जाने के लिए, तो अच्छा काम किया भाई ये, नहीं तो बहुत घूम करके जाना पड़ता था, अब यहाँ से शॉर्टकट हो गया, तो देखिए यार यहाँ से रास्ता ना कुछ ऐसा भी है, तो आराम से चढ़ रहे, चल यहीं से खाना ही स्टार्ट कर दी, चल आगे भी चल, और दो उधर भाग गए मेरी गायें, एक इधर, चल जो भी है आ ही नहीं रही हूं। तो भाई सभी गाय लगाने आ रखे हैं और अपनी गाय जंगल के लिए प्रस्थान कर गई है, चलो 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 चल, अबे इसको तो इतनी भूख लग रही है यहीं से खा रहा, आगे भी चल भाई। और दोस्तों आपको पता होगा कि जर्सी गाय नहीं होती पहाड़ों में, छोटी छोटी गायें होती है, छोटी होने का रीज़न मैं इतना ही समझ पाता हूँ कि वैसे पहाड़ों के लोग भी छोटे रहते हैं हाइट में, क्योंकि इतने खुल के नहीं रहते, क्योंकि ठंडा ही रहता है लगभग 70% तो ठंडा मौसम रहता है, उसमें सिकुड़ के रहते हैं पहाड़ी लोग, और वजन उठा उठा के हाइट छोटी रहती, तो गाय माता भी जो है ठंड में इतना हड्डी ग्रो नहीं कर पाती, इस वजह से छोटी हाइट रहती है, जर्सी गाय यहाँ नहीं रह पाती है, वो शहरों में ही रह सकती है थोड़ा गर्म माहौल में, गर्म मौसम में। कुछ ऐसा जंगल है भाई अपना, सूना सा जंगल है, ये देखिए लोगों ने घास भी रखी हुई है, तो कोई उधर से कोई इधर से गाय लगा रहा है, बहुत सारी गाय एक साथ हो जाती है तो बढ़िया करके रहती है, चल चलो चलो, ये देखो रोज़ दोस्तों से मिल जाते हैं अपने अपनी गायें, कुछ उधर कुछ इधर, तो दोस्तों गायों को लगा दे जंगल, अब चलते हैं घर, चलो भाई घर। तो भाई यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है जंगल, तो मतलब जून के टाइम पे रहता है, मई जून अप्रैल के टाइम पे पूरा हरा भरा, और आजकल कुछ ऐसा दिखता है, तो ये देखिए कुछ ऐसा है, फिलहाल गायें भी आ चुकी हैं लगभग, और गायें भी गायों को देख करके खुद जंगल में आ जाती हैं।
तो यहाँ पे देखो दादी जी भी इतने बड़ा बोझा लेकर के जंगल से आ गई है। तो मतलब यहाँ पे ना फुल एज में तक काम करते हैं जब तक हो, क्योंकि खाली बैठने की आदत नहीं होती, ऐसे में काम जरूरी होता है, इसीलिए स्वस्थ रहते हैं पहाड़ की महिलाएं। और सत्तर पिचासी तो दादी की उम्र देखो, सफ़ेद बाल भी है, तो 85 साल की एज में ऐसे जंगल में आना इतने ख़तरनाक जगह से और घास भी लेकर के आना, तो सैल्यूट है। इसलिए पहाड़ों की महिलाएं भाई ज़्यादा मतलब एज तक रहती हैं और 100 साल भी क्रॉस कर लेते हैं बहुत लोग। तो चलो दादी के आंकोर है आंकोर दादी ने कुछ खिला दिया मिठाई मेरे को अभी थोड़ा ठहर जी बिस्कुट खिला रही है दादी जी। देखो वेग 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 दादी आराम से जाए वो इतना भी छो बाटो तुम गोर का बाजा हम इतना ही ले आए कि इतना भी ले आए वो देखो कितना वेट रहता है घास का और जा रही है दादी। चलो हम भी निकलते हैं इस वाले रास्ते से, यहाँ से है दादी जी लोग कोई भी है गांव में सब बच्चों को प्यार करती है, मेरे को टॉफ़ी भी दी और बिस्कुट भी खिलाया दादी का थैंक यू उसके लिए सुबह सुबह मुंह मीठा कराने के लिए। तो यहाँ पे देखो भाई यहाँ से भी आ रहे हैं पूरे मतलब इतनी एज में इतना भारा और ऐसी जगह से, देखो ऐसे में गिरने का कितना डर है पर प्रैक्टिस हो जाती है ना गाँव में काम करते करते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए स्वस्थ है। इसको उठाते हैं ऐसे, ओए ओए वीडियो नहीं बननी ये छोड़। तो देखो कुछ ऐसे लकड़ी का बोझा उठाते हैं और फिर ऐसे ऐसे चलते हैं तो अभी आंटी का है ये, चाची जी औरों का, तो यहीं पे रखता हूँ और लकड़ियाँ कर रहा होंगे इकट्ठा, मैं किसी और दिन ले आऊँगा लकड़ियाँ। तो जी ये है अपना प्यारा सा पुलना गांव भाई, बचपन की बहुत ज़्यादा यादें अंदर यहाँ से जुड़ी हुई है, कैसे हम रहते थे, कैसे बचपन गुजारा, कैसे हम खेतों में जा जा कर ना हम सेब वगैरह चोरते थे, चूल्हिया वगैरह चोरते थे, खुमानी कुछ भी फल फ्रूट हो। तो अब तो पेड़ ही नहीं बचे, 2013 ने ना सब कुछ तहस नहस कर दिया यार मतलब, बट अब यादें ही साथ है, कोशिश करेंगे पहले जैसे बनाने की अपने प्यारे से गाँव को। तो देखिए भाई कितना खूबसूरत है, ये देखिए यहाँ से पहाड़ दिखते हैं सामने, इधर पहाड़ इधर पहाड़ इधर पहाड़, बहुत सड़क भी है तो अब थोड़ी सुविधा जरूर है। तो जी अब थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो नाश्ते में बनाए हैं छोले और आलू और थोड़ा अचार मिर्ची का, तो खाना स्टार्ट करते हैं। खेल कर रहा मिशु, सो जा मिशु, यहाँ पे बैठा है, अभी खाने खाने का टाइम हो गया, यहाँ पे धूप भी आ रही है ना, छाव भी, खाने को भी मिलेगा और धूप भी लगी रहेगी। सॉरी मिशु, सॉरी मुझे पैर लग गया। और यहाँ पे आज मम्मी ने बनाई है राजमा पीस करके, राजमा भात, और ठंडे में तो यही चलता है भाई, वाह। साथ में अचार, क्या अचार। तो दोस्तों अभी शाम के 5:30 बज रहा है और आज इतनी ख़तरनाक नींद आ गई, क्या बोलूँ, खाना खाने के बाद सीधा 3 घंटे की नींद, बहुत ही गजब नींद आ गई। बाकी यार हवा चल रही है ठंडी ठंडी और शाम का माहौल कुछ ऐसा है, अभी अंधेरा होने वाला है और बच्चे स्कूल, और यहाँ पे चाय पीने का वक्त हो गया है, चाय पी रहे हैं। और यहाँ पे मिशु और मिशु का बच्चा, ये सिर्फ घर पे आता है, बाकी दो आते ही नहीं है, इसको शायद याद आती रहती है बीच बीच में, है ना, है ना। तो इनका खेल शुरू हो गया जी आज, ले 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 ले, आ जाओ भाई आ जाओ, ले आ दूँ तेरे को खाने। और दोस्तों आज हम जोशीमठ से सामान भी ले जाए जो इम्पोर्टेंट थे, कागज थे, मतलब हमारे मार्कशीट वगैरह, क्योंकि अगर घर टूट जाए तो ये तो ज़रूरी रहता है, आगे के फ्यूचर पे काम आता है, इसलिए ये लेकर के आ गए पापा। बाकी और सामान देखते हैं जब नुकसान होगा, अभी कुछ हुआ नहीं, हमारा एरिया काफ़ी अलग पड़ता है जंगल के बीच और पत्थरों के बीच, इसलिए शायद वहाँ इफ़ेक्ट कम है, बट इसलिए इम्पोर्टेंट पहले ही लेकर के आ गए आज जोशीमठ से। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सारा सामान जोशीमठ से हम ले आएंगे। यार बाल ऐसे हो रखे ना सोने, अरे ये ठीक नहीं होंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं।
तो मैं बोल रहा था कि जोशीमठ सिटी से जो भी इम्पोर्टेंट पहले चीज़ें हैं वो लेकर के आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब मार्कशीट वगैरह है, देखो मेरी मार्कशीट, मेरी सिस्टर की मार्कशीट, सभी की मतलब जो है जोशीमठ में थी। तो आज पापा गए, पापा ने दो अटैची में सिर्फ कागज वगैरह लेके आए, बाकी और जो हैवी सामान है वो तब की बात है जब कुछ होगा, क्योंकि अभी चांसेस है जोशीमठ के बचने के, फुल चांसेस है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा है ना, भगवान जो है माफ़ भी कर देता है गलती अगर हम समझ जाए, बट गलती सुधारेंगे नहीं, फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे, जैसे कि जो टनल बन रहे हैं, NTPC का काम है या और कुछ भी जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैवी इलीगल कंस्ट्रक्शन विदाउट एनी मेजरमेंट और सर्वे के, उसको नहीं रोकेंगे तो आगे दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो काम रुकेगा तो सेफ रहेगा। अब जोशीमठ इतना खूबसूरत शहर, गेटवे ऑफ हिमालय भी कहा जाता है, और सेंटर पॉइंट है अपने जो धामों की यात्रा के लिए, बद्रीनाथ धाम, श्री हेमकुंड साहिब, है ना, तो ऐसे में जोशीमठ शहर को बचाना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है। सुंदर जगह, लोग दूर दूर टूरिस्ट लोग आते हैं दूर देश विदेशों से सिर्फ जोशीमठ शहर को, जहाँ ओली भी जा सकते हैं, बॉर्डर एरिया का कनेक्शन है वहाँ से, तो ऐसे में प्लीज़ मतलब सेव करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे हम आम आदमियों की समझ से भी हो, है ना, हमें इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है ना, मतलब अच्छे से अगर कंस्ट्रक्शन करें, अभी भी मौका है, अगर हम जैसे डिफॉरेस्टेशन है वहाँ पे जोशीमठ शहर में आपको देखने को मिलता है, घर बनाने के बाद पेड़ों को काटा जाता, तो ऐसे में अगर एक पेड़ कट रहा है ना, अगर मैं खुद अपनी गारंटी से बता रहा, अगर जगह जगह खेतों में अगर दो दो पेड़ सब लगाएं, अगर सिर्फ 1,00,000 पेड़ लगा दिए जाए ना जोशीमठ शहर में, 1,00,000 तो ओवर हो जाएगा, 50,000 पेड़ भी, उससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, और थोड़ा ड्रेनेज और जो मैनेजमेंट है उसको रोक मतलब मैनेज करना चाहिए, जो ड्रेनेज सिस्टम है, ऐसे नहीं कि पेड़ बना दिया और ऐसे ही वो पानी कहीं ना कहीं अंदर से रिस रहा है, क्योंकि स्लोपी एरिया है, थोड़ा एंगुलर जो उसमें लोड बियरिंग कैपेसिटी रहती है अपने ज़मीन की वो कम रहती है, तो ऐसे में क्या है, थोड़ा सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ एक मंजिला बनाने की अनुमति होनी चाहिए, और कच्ची जगह पर अनुमति नहीं होनी चाहिए, और पेड़ों को लगाए जाने चाहिए, काफ़ी पेड़ होंगे तभी कुछ हो पाएगा। जो तो बस इतनी सी राय है यार, है ना, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ा काम कर जाती है, पेड़ लगाएं और ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा करें, एक ही सीवर लाइन एक ही कनेक्ट करिए, और बस इलीगल कंस्ट्रक्शन रोके, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे रोक लगानी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। और फिलहाल तो मैं अपने गांव में हूँ, यहाँ भी सेफ नहीं है, देखो मैं ऐसे जोन में हूँ जहाँ पे बाढ़ आया करती थी, पूरी नदी यहाँ से नदी बह रही, उधर से नदी बह रही, पूरा जो हमारा स्कूल है वो तक बह गया, और एक स्कूल जो जोशीमठ था उसको बचाने के लिए भाई थोड़ी दिल में आस जगी हुई है, बाकी आगे जो होगा भगवान और सरकार ही कर सकते हैं, और हम भी कुछ कर सकते हैं पेड़ लगा करके, है ना, अपने बर्थडे में या कभी भी जब आप किसी को उपहार दे, पेड़ दे, पौधे दे, ताकि वो उग करके ज़मीन को अच्छे से करने का काम करें, है ना, क्योंकि बदलाव बहुत आ रहा है मौसम में, और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें कदम उठाने अभी ज़रूरी है। और अभी मैं अपने स्कूल में हूँ, ठीक है, ये मेरा स्कूल हुआ करता था, ये मेरी क्लासरूम हुई करती थी, है ना, यहाँ पे हम बैठा करते थे, बैक बेंचर तो थे ही हम पहले से, इसमें कोई शक नहीं है, बट वहाँ पे ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, वहाँ पे टीन सेट थी, यहाँ पे टीचर पढ़ा, तो यहाँ पे ना मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते थे, जैसे हम कुछ चीज़ें बनाते थे, ड्राइंग वगैरह, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते, तो इधर रखा करते थे इस अलमारी में, 25-30 बच्चे बैठते थे, और सामने ब्लैक बोर्ड पे हम पढ़ाई करते थे, और आज भी चौक के निशान हैं इसमें, ये देखें, ये शायद अब मिटेगा नहीं, और इसमें मतलब हम क्या करते थे, कोयले से पानी में डाल करके इसको हमेशा वो कर देते थे, जब चौक से वाइट वाइट हो जाता था, तो इसको भी क्लीन करते थे, तो कुछ ऐसा था यार अपने स्कूल, अपनी यादें, तो बहुत यादें जुड़ी हुई है। चलो ये नहीं रहा तो यार जोशीमठ शहर, जहाँ भी लगभग हमने 20% पढ़ाई करी है सेकेंड क्लास से 5th क्लास तक, वो बचना चाहिए बस, अब तो यही जद्दोजहद है, भगवान सारी निशानियाँ सारी मेमोरियाँ मिटा दे, तो ऐसे में बड़ा दुख होने वाला है मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों के अरमानों पर, यादों पर, जिनका तो ऑटोमेटिक घर है, जिनके खेत हैं वहाँ जोशीमठ में, जिनके बहुत कुछ है, क्योंकि हमने झेल रखा है 2013 के दौरान हमारे गाँव वासियों ने, तो ऐसे में हमारे गाँव वासी दर्द समझ सकते हैं जोशीमठ वासियों के, खैर हमारे भी घर हैं वहाँ, बहुत लोगों के 50% लोगों के घर जोशीमठ में है, और कईयों के तो मतलब रेड क्रॉस होने के बाद खाली कर दिया गया है, अभी कुछ कुछ बचे हुए हैं फैमिली, जैसे हम भी हैं उसमें,
तो मतलब दुख समझ सकते हैं भिंडार वाले जोशीमठ शेट्टी के, क्योंकि हमने झेल चुके हैं। हमारे तो उस टाइम एक घर नहीं, दो दो घर नुकसान हुए। एक तो भिंडार गांव में जहां पूरा घर साफ हुआ, लगभग 85% घर पूरे साफ, मतलब अता पता कुछ भी नहीं। यहां तो तब भी मतलब बचे थे 50% घर बचे हुए थे, जिसको हमने मलबा निकाल निकाल करके आज फिर से रहते हैं। और वही जोशीमठ में हाल हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि मेहनत लगती है एक घर बनाने में। एक साल की मेहनत नहीं, लगभग 20-30 साल की मेहनत लगती है। और ऐसे में मेहनतों में पानी फिर जाना बड़े दुख की बात होती है। बाकी आपको पता है अपने गवर्नमेंट का काम किस तरीके से करती है, कि कोई भी संतुष्ट सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। बाकी भगवान पे ही आस है, जो होगा भगवान करेंगे। याद ताज़े हो गई थी अपने पुराने स्कूल की। स्कूल थी, इधर बिल्डिंगें थी, उधर बिल्डिंगें थी, उधर वो भी स्कूल था जो कि अब नहीं रहा उधर। फिर 2013 के बाद हुआ क्या, एक्चुअली स्कूल बनाया गया, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल हर गांव में इम्पॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट स्कूल मतलब काफ़ी उधर बनाया गया। और उसके बाद तो यहाँ रहने लायक था नहीं, इतना अच्छा गुड लुकिंग था नहीं अपना गाँव, तो यहाँ कोई रहते नहीं थे, तो ऐसे करके हुआ सिचुएशन। और ये लोग मेरे को वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, पत्थर गिरा रहे थे। ये भी ये देखो लड़ाई कर रहे क्या, मुंह क्यों छुपा रहा भाई, तूने गलत काम थोड़ी किया, आ जा शर्मा मत। तो यहाँ पे बच्चे खेल कूद करके चले गए, और इनकी स्कूल खुलने वाली है लगभग 12-15 दिनों में। अब स्कूल जाएंगे ये मस्त करके जोशीमठ में। जोशीमठ सही है, और स्कूल बच्चा है ये वाला। अब देखो ये लड़ाई करने लगे, लड़ाई मत करो। तो बच्चों को यहाँ पे बाय कर लेते हैं, भाई जाते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय। तो दोस्तों अभी आग वगैरह सेकते हैं बढ़िया करके, यहाँ पे आग है। मिशू भी यहीं पे रहता है जब तक आग जली रहती है, रात के 10-11 बजे तक। और फिलहाल आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।